बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नायला भट्टी, आप देख रहे हैं 24/7 न्यूज वर्ल्ड। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। तोबा टेक्सिंग से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अफजल रहमानी की रिपोर्ट के मुताबिक यौमे इस्तेसाल कश्मीर रैली और सेमिनार डीपीओ तोबा टेक्सिंग इबादत निसार और डेप्यूटी कमिश्नर तोबा टेक्सिंग मोहम्मद नईम सिंधु की कयादत में यौमे इस्तेसाल कश्मीर के सिलसिले में जिला कौंसिल हॉल तोबा टेक्सिंग में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर तोबा अली समीर, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर रेवेन्यू अब्बास दुलकुरनैन, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल जिशान लभा मसीह, सी ओ जिला कौंसिल मेहर अनवर बेग सदर, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन तोबा फैसल अनवार एडवोकेट, रेस्क्यू 1122 और दीगर सरकारी महकमा जात के आला अफसरान समेत सिविल सोसाइटी, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया नुमाइंदगान और असातिज़ा की कसीर तादाद ने शिरकत की। सेमिनार का आगाज तलावत कुरान पाक से किया, इसके बाद सायरन बजाया गया और इसके बाद पाकिस्तान का कौमी तराना और कश्मीर का कौमी तराना पढ़ा गया और कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए एक मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। बाद आजाद डीपीओ तोबा इबादत निसार और डेप्यूटी कमिश्नर तोबा मोहम्मद नईम सिंधु की कयादत में कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती के लिए जिला कौंसल हॉल से लेकर रजाना रोड तक रैली निकाली गई, जिसमें असातिज़ा, सिविल सोसाइटी, मीडिया नुमाइंदगान, रेस्क्यू 1122 समेत आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरुआत रैली ने बाजों पर स्याह पट्टियां बांधने के साथ साथ हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर कश्मीरियों के हक में मुख्तलिफ इकसाम के नारे दर्ज थे। डीपीओ तोबा इबादत निसार ने शुरुआत से खिताब करते हुए कहा कि आजादी की जो नेमत है इसे वही समझ सकता है जिसके पास आजादी ना हो, चाहे वो फलस्तीनी हो या कश्मीरी हो। कश्मीरियों के ऊपर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं, अब वक्त आ गया है कि उनका आजादा होना चाहिए। कश्मीर की हैसियत पाकिस्तान की शहरत से कम नहीं है, कश्मीर की आजादी के लिए हमने अपना भरपूर किरदार अदा करना है। वादी कश्मीर के लिए कश्मीरी मुसलमानों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। मुल्क पाकिस्तान और इसकी आवाम अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक कश्मीरी आवाम के हक के खुद इरादियत के हसूल तक जम्मू कश्मीर की आवाम के जवाब तक इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। डेप्यूटी कमिश्नर तोबा मोहम्मद नईम सिंधु ने शुरुआत से खिताब करते हुए कहा कि यौमे इस्तेसाल कश्मीर मनाने का मकसद आलमी बरादरी को याद दिलाना है कि वो कश्मीर के मामले में अपनी जिम्मेदारी से फरार नहीं हो सकते। अक्वामे मुत्तहिदा को अपने किए गए वादों का एहतराम करना चाहिए, यह हमने पहले भी किया है और आज भी इसको दोहराते हैं। जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे। कश्मीर का मसला करारदादों से हल नहीं होगा, बल्कि इसे आजाद करवाने के लिए हम सबको मिलकर एक कौम बनकर हुकूमत के साथ मिलकर जद्दोजहद करनी होगी। आज हम 5 अगस्त 2019 के जो भारतीय बजट है, उसमें जो आर्टिकल है उसमें अमेंडमेंट की गई और मौजूदावादी कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो है उसको बदल किया गया, उसके जोर अल्फाज मजम्मत करने के लिए हमने आज यहाँ पे गैदरिंग की और वॉक का इंतजाम किया। और इसमें हमारा पैगाम कश्मीरी भाइयों के लिए कि हम उनको जद्दोजहद से शानक शानक करें, जब तक कश्मीरी भाइयों को उनके हकों की बराबरियत और उनकी आज़ादी को नहीं मिल जाती, हम चैन से नहीं बैठेंगे और पूरी पाकिस्तानी आवाम कश्मीरी भाइयों के साथ शानक शानक करें। हम 5 अगस्त के इस दिन के मौके पे जो भारतीय सरकार है उनके इस इकदाम की भरपूर मजम्मत करते हैं और अक्वामे आलम से अपील करते हैं कि जो कश्मीरी हैं उनको उनके हक़ खुद इरादियत के मुताबिक आज़ादी दी जाए और जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया गया है उसको वापस बहाल किया जाए और कश्मीरियों को आज़ाद किया जाए। चूँकि कश्मीर की पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत है और वो शारा से कम नहीं है, हम तमाम पाकिस्तानी कश्मीरियों की जो अपनी आज़ादी के लिए जदोजहद है उसमें हर तरीके से उनके साथ हैं और जो उनकी पुरअमन कोशिश है अपनी आज़ादी हासिल करने के लिए हम हर फोरम के ऊपर उनके साथ हैं और हमारी पूरी मदद और सपोर्ट उनके इस काम के लिए उनके साथ है। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहें 24/7 न्यूज़ वर्ल्ड, मुस्तनद खबरों की दुनिया।